अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आमिर दरवेश यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। सैयद सुल्तान शाह की तरफ से हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज जो मैं लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, इस अमल का आवान है नक्शे मोहब्बत। ना देखा तो क्या देखा, ये एक ऐसा अमल है कि मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। ये मिस्री नक्श है, ये पुरानी किताब से लिया गया एक पावरफुल तवीज़ है, पावरफुल नक्श है। इसको आप करेंगे आपको 100% कामयाबी होगी। ये हमारा 200 से चैलेंज है दोस्तों। इस अमल को बहुत सारे लोगों ने किया और इसमें कामयाबी हासिल की, और उन्होंने हमारे बताए गए तरीक़ाकार पर इस अमल को किया था और इसमें कामयाबी हासिल की। आप भी हमारे बताए गए तरीक़ाकार पर इस अमल को करेंगे तो आपको 100% कामयाबी होगी। ये हमारा 200 से चैलेंज है। जो लोग बहुत सारे अमल कर करके थक चुके हैं और उनको किसी भी अमल में कामयाबी नहीं हुई, तो वो एक बार हमारे कहने पर इस अमल को, इस नक्श को करके देखें, उनको कामयाबी होगी दोस्तों। चलें बगैर टाइम जाएगी अमल की तरफ चलते हैं। अमल की तरफ जाने से पहले मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचा रहे। चलें दोस्तों, अमल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये बात आपको पता चलो कि इस अमल को मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों कर सकते हैं, मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं। और इस अमल को आपने जब भी करना है हमसे इजाज़त लाजमी लेनी है। इजाज़त लेने का आपको ये फ़ायदा होता है कि हमारी पोशीदा ताकतें आपकी हिफाजत करती रहती हैं और आपको अमल में 100% कामयाबी होती है। और इस अमल का जो टाइम है वो रात का है। रात को सूरज ग्रूब होने के बाद आपने इस अमल को करना है। सूरज ग्रूब होने के बाद, जब सूरज ग्रूब हो जाएगा उसके बाद आप किसी वक्त भी इस अमल को कर सकते हैं। दिन टाइम नहीं करना, रात के वक्त सूरज को ग्रूब करने के बाद ही करना है, सूरज जब ग्रूब हो जाएगा। और इस अमल का जो दिन है वो कोई मखसूस नहीं है, आपके पास जिस दिन टाइम हो आप इस अमल को कर सकते हैं। और दोस्तों, इस अमल में ज़कात लाजमी है। आपने किसी भी गरीब को 111 रुपये दे देने, इससे ज़्यादा दे दें या कम नहीं देने, इसको इससे ज़्यादा दे दें या 111 ही दे दें, फिर आपने इस अमल करना है। ज़कात देने के बाद ही फिर ये अमल करना है दोस्तों। अब आपने इसके बाद करना क्या है कि आपने अपने अकेले रूम में चला जाना है। अकेले रूम में जाने के बाद आपने इस नक्श को बना लेना है। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना, इसको खुद बनाना है। बनाने के बाद आपने यहाँ पर अपने महबूबा का नाम और बिन लगाकर उसकी माँ का नाम, अगर कोई लड़का लड़के के लिए कर रहे हैं, आपका महबूब कोई लड़का है तो आप उसका नाम बिन लगाकर उसकी माँ का नाम लिखेंगे। अगर आपकी महबूब कोई लड़की है तो आप उसका नाम बिनते लगाकर उसकी माँ का नाम, और उसकी माँ का नाम ना पता हो तो आप बिनते हवा भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। जब आप लिख लेंगे तो आपने इसको तभी नक्श की बत्ती बना लेनी है। बनाने के बाद आपने उसके ऊपर रुई लपेट देनी है। रुई लपेटने के बाद आपने एक अदद चिराग ले लेना है। एक अदद चिराग लेने के बाद आपने उसमें खुशबू वाला तेल डाल देना है। जब आप डाल देंगे तो आपने उस बत्ती को उसके अंदर रखकर चिराग को जला देना है, मुकम्मल तौर पर जलाना है। वो कितनी देर में जलेगा ये आपको पता चल जाएगा, 10-15 मिनट के अंदर अंदर वो जल जाएगा। जैसे जल जाएगा तो आप इस नक्श का रिजल्ट, इस तवीज़ का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे के अंदर अंदर देखेंगे। आपका महबूब आपकी जान नहीं छोड़ेगा और आपको दिन रात कालने करता रहेगा और आपसे कहेगा कि मैं आपसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। चाहे वो आपका बेवफा महबूब क्यों ना हो, चाहे वो किसी और से मोहब्बत क्यों ना करता हो, चाहे वो आपकी जायज़ मोहब्बत हो या ना जायज़ मोहब्बत, आपको दिन रात काल करने लग जाएगी, उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। ये इतना पावरफुल नक्श है, इसको करें, इसमें कामयाबी हासिल करें दोस्तों। और कोई मेरा बहन भाई इस अमल को खुद नहीं करना चाहता तो वो हमसे भी अमल करवा सकता है, उसका काम 100% गारंटी से होगा। अगर आप ये अमल खुद कर रहे हैं तो इस अमल को करने के दौरान आपको कोई मसला परेशानी है या अमल में कामयाबी ना हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं दोस्तों। ये था हमारा आज का आसान सा अमल, जल्द नए अमल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।